में भी किया था 2014 में कि आप एक बात देखिएगा, पिछले 5 महीने में फास्टैग आ जाता है। आप कहते घर पे रहो, सुरक्षित रहो, दूरी बना के रखो, तो कोरोना काल में घर से बाहर तो जा ही नहीं रहे थे, फास्टैग की अचानक क्या जरूरत पड़ गई। 500 रुपए में था फास्टैग और 50% पैसा उसका गवर्नमेंट के पास था। उसके बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1500 से 2000 रुपए में। क्यों भाई, हमारे पीछे आतंकवादी लग रहे हैं, हमारी गाड़ी के पीछे आतंकवादी लग रहा है, सिविलियंस के पीछे। यहां भी गवर्नमेंट को पैसे चाहिए। और यहां जहां दिल्ली में आप खड़े, मास्क नहीं पहनता, मैं ओपनली आपको बोलूंगा नहीं पहनता, और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से मिला हूं, वर्क कर रहा हूं कोरोना के ऊपर भी, एक से एक वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर्स के साथ बराबर। अगर है कोरोना तो बंगाल में रैली क्यों हो रही है, अगर था कोरोना तो बिहार में रैली क्यों हो रही है, और अगर अब भी कोरोना है तो तमिलनाडु में क्यों हो रहा है। तब इनके अमित शाह जी मास्क पहनते हैं क्या, अंजना सिंह पहनती है क्या आज तक में? ये रूल हम जैसे सिविलियंस के लिए 2000 रुपए का चालान, गाल पे चाटा नहीं लगता क्या, दे दिया हम लोगों को? ब्यूटी पार्लर वाले घर बैठे रहे, टैक्सी वाले घर बैठे रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले घर बैठे रहे, जिम चलाने वाले घर बैठे रहे, एक का भी किराया रुका गया, लोग बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। उनके लिए बैकअप पैकेज रहा, इन्होंने बोला मुद्रा लोन दे दे दिया। चलिए आप पत्रकार हैं, 100 युवक ले लीजिए जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, 100 गोल्ड मेडलिस्ट लेके आता हूं, बताइए कौन से बैंक में चलूं आपको, एक को मुद्रा लोन नहीं मिलता। कारण, बैंक वालों को कोलैटरियल चाहिए। कोलैटरियल, व्हाट इज कोलैटरियल, कि लोन तब देंगे जब आपके पास बैकअप रहेगा। जबकि गवर्नमेंट ये कहती है ये उन यूथ के लिए ये परियोजना है जिनके पास कुछ नहीं, अच्छी विचारधारा, हम एक प्रोजेक्ट उनको देंगे। वेयर इज दैट प्रोजेक्ट, कहां है वो प्रोजेक्ट, इस बात का विवाद है। तो हमारा विवाद नहीं है, हमारा फाइट आपके साथ, बैड गवर्नेंस के साथ। और हम लोग बजाते सबकी हैं, हम लोग कांग्रेस को भी बख्शते नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर राहुल गांधी में ही दम होता, उनमें ही क्वालिटी होती, तो हमें इनको थोड़ी झेलना पड़ता, अच्छे दिन का जुमला थोड़ी सहना होता। उन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी यही किया। और आज अगर कुछ कोई अच्छा कर रहा है, अगर मैं अभी बोल दूं राहुल गांधी अच्छा है तो कांग्रेस का चमचा, अगर मैं अभी बोल दूं केजरीवाल बिजली दे रहा है तो उसका दल्ला, यही तो इनके पास रहेगा। केवल आईटी की वॉर है हम लोगों के साथ, आईटी। और अब जो आपने बोला ना सोशल मीडिया, क्या हो जाएगा सोशल मीडिया में, रोक दोगे तो क्या होगा, बोलना बंद कर देंगे? अरे जिस रोड पे खड़े होंगे ना वहां हजारों लोग खड़े होंगे, जुबान भी बंद कर दोगे क्या, जुबान बंद कर दोगे? अनुराग ठाकुर नहीं बोलते हैं गोली मारो, मार दो गोली भाई, गद्दारी तो दिखा दो। अरे गद्दार को तो जीने का हक ही नहीं है। आपके लोगों में अनुराग ठाकुर कौन से गाड़ी में घूमते हैं जी, और परिवारवाद की चर्चा। राजनाथ सिंह का बेटा कौन है? मैं गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं, राम राज्य में, जहां बोलना मना है आपकी जानकारी के लिए, मैं वहीं से बजाता हूं। कौन है पंकज सिंह? राजनाथ सिंह का बेटा। वहां के एमएलए कौन थी? विमला बाथम, कहां की थी? बेस्ट एमएलए थी। उनको हटा के राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, परिवारवाद नहीं है? तब मुलायम सिंह याद आता है आपको, तब लालू याद आता है। रूल्स हैज टू बी मेड नॉट बायस्ड फॉर ऑल, वन फॉर ऑल फॉर वन। अब देखिए 12 करोड़ लोग हमारे फाउंडेशन से जुड़े हैं, इस साल के अंत तक 25 करोड़ का टारगेट है, और 2022 यूपी और 2024 पूरे देश में। लेकिन कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ओपनली हमने एक बात बोला है, जो भी कैंडिडेट क्राइम फ्री हो, जिनके ऊपर मुकदमा नहीं हो, औरतों के प्रति गंभीर केस ना हो, जिन्होंने छात्र में नेता कभी भी कोई काम किया हो, या जो अनएजुकेटेड हो अपनी गली मोहल्ले का, उन सब लोगों को हम फाइट के लिए तैयार है। रेबल फाउंडेशन उनके लिए तैयार है। 97 केसेस लड़ रहा हूं, विनिंग रेट 100% है, आज तक हारे नहीं है जिस केस को उठाया है लीगली। अब ये चौथा केस है, आप देखिए इनको आरटीआई से ही हराएंगे, अब चौड़े में हराएंगे, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।